संविधान का खोखा बचा हुआ है और भीतर से कलेजा निकाल लिया है। आज भारत के संविधान में एससी एसटी ओबीसी का जो अपने आप को स्वर्ण कहलाते हैं, जनरल कहलाते हैं, वो कब्जा किए बैठे हैं और 96% जनता सड़कों पे पड़ी है। जो भारत का संविधान कहता है वो नहीं करता है, वो संविधान विरोधी है। ये देश के ऊपर कलंक नहीं है, ये भाईचारा नहीं है, ये भिखारी बनाने का एक रास्ता है। देखिए, रामेश्वर सेवार्थी जी हैं जो राजस्थान से चलकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। आप दिल्ली किस लिए आए हैं? मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आज़ादी के 75 साल बाद में भी संविधान की पालना होने के बजाय संविधान का विध्वंस किया है, और इसलिए मैं 94 साल का हो गया। आज़ादी के टाइम मैं 17 साल का था, पहरेदारी की है। मेरा राजस्थान बैकवर्ड स्टेट था, वो वैसे देश के साथ आज़ाद घोषित हो गया, लेकिन मूल रूप से खातेदारी अधिकार हमको 56 में मिला है, इसलिए राजस्थान बैकवर्ड स्टेट है सामाजिक और राजनीतिक तौर पे। मोदी जी देश को लेकर कह रहे हैं कि आप संविधान ख़त्म हो गया, मोदी जी चरण चुम्बन कर रहे हैं, माथे से लगा रहे हैं। ऐसा है कि संविधान का खोखा बचा हुआ है और भीतर से कलेजा निकाल लिया है, ये हम लोगों को पता नहीं है। न्याय का भाईचारे का था, कितना भाईचारा बढ़ाया, कितनी सामाजिक न्याय की, कितना आर्थिक असमानता बढ़ाई। ये देश के ऊपर कलंक नहीं है कि 90 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त में राशन देना, वो भाईचारा और समानता ही न है। ये भाईचारा नहीं है, ये भिखारी बनाने का एक रास्ता है। स्वावलंबी बनाते, अपने पैरों पे जनता को खड़ा करते तो राष्ट्र का निर्माण होता। ये राष्ट्र का निर्माण नहीं है, ये राष्ट्र का विकास विनाश है। विश्व में डंका बज रहा है। मेरी बात सुनिए, ये यहाँ का प्रोपेगंडा जो मीडिया है वो प्रचार करता है। आज विश्व में आर्थिक जो माप है वो तो गोल्ड से है और या डॉलर से है। तो डॉलर, अंग्रेज जब भारत आए तब हमारे रुपये की कीमत बराबर थी, आज कहाँ है? अर्थशास्त्री देश में बचे ही अर्थशास्त्र, डॉक्टर अम्बेडकर और चौधरी चरण सिंह था और बाकी तो सारे के सारे डिग्रियाँ लिए बैठे हैं। अर्थशास्त्री कहाँ हैं और वो आंकड़े दे रहे हैं? अगर अर्थशास्त्री सही माने में होते तो नोबल पुरस्कार आज तक 975 बटे हैं, उसमें भारत का हिस्सा कितना आना चाहिए? अरे केवल 4-5 आदमी निकले हैं। ये हमारा ज्ञान का स्तर है, विश्व में इससे बड़ा कलंक हो सकता है? अंग्रेज इस देश से ज्ञान लूट कर लेकर चले गए, इस देश को मंत्र तंत्र देकर गए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अंग्रेज तो सब कुछ शिक्षा दे गए, भाईचारा दे गए, इक्वलिटी दे गए, और हमने उसको फिर भी खंडित करने का। अंग्रेज आए उस दिन भारत का था, 677 देश थे, अंग्रेजों ने ही तो भारत को भारत किया है, उसके भी हम दो टुकड़े कर दिए और अंग्रेजों को गाली निकालते हैं, हम विध्वंस देश का कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद, मंदिर से निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है विज्ञान से। आप 94 साल के हैं, सठिया गए हैं, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं कांप रहा है, पाकिस्तान के नाम से देश खोखला हो गया। इनको और तो कोई आधार नहीं है, पाकिस्तान क्या है हमारे सामने जो पाकिस्तान का भूत खड़ा कर दिया? और तो फिर हम हिंजड़ेंगे सारे के सारे। चाइना को मोदी जी लाल आंख दिखाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इससे बड़ा पतन क्या होगा? चाइना का आंख दिखाने की हैसियत नहीं, हमारा कुटीर उद्योग सारा बंद कर दिया। अगर चाइना का माल नहीं आवे तो भारत तो नगन पड़ा है। मेड इन इंडिया चल रहा है सर आपके। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मार्केट को देखिए, अगर चाइना का माल नहीं हो तो सारे हम नग्गे फिरे और बिना साधन के फिरे, और ये है हमारी उपलब्धि। सब लोग खादी वस्त्र पहन रहे हैं गांधी जी के। अरे खादी तो है ही नहीं, नकली खादी रह गई है, मीलों बन के आती है खादी, उद्योग तो सारे खत्म कर दिए। भारत का सबसे बड़ा
अगर कोई उद्योग है, कृषि उद्योग है, जिसको उद्योग का दर्जा नहीं दिया है और फर्जी उद्योग धंधों का जो है ना रजिस्ट्रेशन करके ना उनको जो है ना पैसा लुटा रहे हैं बैंक का, और किसान जो है ना वो अरे को, और किसान सड़क पे पड़ा है उसका कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई विश्व में उद्योग है तो कृषि का उद्योग है, और उसको आज तक उद्योग नहीं माना है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो देश की, मैं क्या कह रहा हूँ, देश की जनता ने चुन दिया, इसलिए मोदी हो वेलकम। लेकिन मोदी का वो कर्म तो उजागर करेंगे ना जो कर रहा है, उनसे अच्छा इस देश में आज तक कोई पता क्या कहा हुआ ही नहीं। अच्छा अच्छा का तो नमूना आपके सामने बता दिया। आज भारत के संविधान में SC ST OBC का कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए? 22% पूरा हुआ है और 78% जो अपने आप को स्वर्ण कहलाते हैं, जनरल कहलाते हैं, वो कब्जा किए बैठे हैं और 96% जनता सड़कों पे पड़ी है। पूरे शासन प्रशासन में आज तक राष्ट्रीय स्तर पे SC ST OBC माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व 22% है। तो 75 साल इन्होंने खाया है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको माल खिला दिया, अब इनका बैकलॉग पूरा करो। देश को अगर जिंदा रखना है तो, और किसान मजदूर को जिंदा रखना है तो। क्या लग रहा है आपको कि SC ST OBC को आप, मेरी बात सुनिए, नहीं देंगे तो विद्रोह होगा, उसकी जिम्मेदार मोदी होंगे। क्या होगा? विद्रोह होगा देश में अपने अधिकारों के लिए। कितने दिन दबाएंगे, कितने दिन जो है ना मंदिर मस्जिद के नाम से बहकाएंगे? आखिर तो भूखा आदमी जो है ना वो अपना हक मांगेगा। राशन दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, आप कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, अरे काम दे, वो हमको भिखारी क्यों बना रहे हो? राम मंदिर देश में भव्य बनवा दिए। मैंने क्या कहा कि राम मंदिर से किसका पेट भरा, किसका विकास हुआ? सबका हुआ, देश का हुआ। मैं कह रहा हूँ विनाश हुआ है, मैं सिद्ध करके बताऊं। बताइए कैसे विनाश? जितना पैसा आया है उसका हिसाब दो। जिन लोगों ने राम मंदिर बनाने में योगदान किया उनका पुजारी कोई है तो बता दो। आपका काम है खेती बाड़ी करना, तो आप जाके पंडिताई करेंगे? मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी का लिखा हुआ होता है क्या? पंडित जिसको ABCD का क्या नहीं, वो पंडित कैसे हो सकता है? पुजारी तो ज्ञाता होता है जन्म से। अरे जन्म से तो हम पशुवत थे, जन्म तो समान है, पंडित कहाँ से आ गया? जो पंडित कुल में जन्म लेगा, मेरी बात सुनिए, वो पंडित हमको नहीं चाहिए, हमको तो हमारे समाज के पंडितों से काम चलाना पड़ेगा। तो इन पंडितों का बहिष्कार करेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा को ठेका है क्या? हम हमारे बाप दादों को पालेंगे, उनको पालेंगे? आपके हाथ में तथागत गौतम बुद्ध की किताब है, आप इस पर क्या कहेंगे? बुद्ध मैं ही भारत का संविधान है, समानता, भाईचारा, मैत्री, सामाजिक न्याय, ये सारा, और इसको मिटाने का जो काम करता है वो भारत का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप बुद्ध को मानते हैं तो मैं बुद्ध को नहीं, मैं आज की तारीख में भारत के संविधान को मानता हूँ, और समान उसमें जब सामाजिक न्याय के हिसाब से इलेक्टेड, सेलेक्टेड, नॉमिनेटेड सब में हिस्सेदारी का प्रोविजन है, आज तक सेलेक्टेड और नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड का तो पद भरा ही नहीं गया है, और हमारे देश में ये हमारे जो रिजर्वर के आदमी हैं उनको पता नहीं है कि नॉमिनेटेड पर क्या होता है। 131 जो सांसद होते हैं जो वो मेरी बात सुनिए, भारत के संविधान में कहीं पार्टी प्रतिनिधि तो नहीं है, वर्गीय प्रतिनिधित्व है SC ST OBC और जनरल, ये लोग सारे पार्टी के प्रतिनिधि हैं। संविधान में पार्टी का भी प्रतिनिधि? और मैं क्या निवेदन कर रहा हूँ, संविधान में वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है, आज वर्ग की बात कोई नहीं करता, सारे पार्टियों के गुलाम हो गए, जिसने काशीराम ने चमचा कहा है। तो आप कांसीराम की विचारधारा वाला तो मैं कांसीराम विचार नहीं कहा वो उद्घृत कर रहा हूँ, मैं मेरी विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा रखता हूँ। जो भारत का संविधान कहता है वो नहीं करता है, वो संविधान विरोधी है। तो वो तो मोदी जी कर ही रहे हैं सारे, मैं क्या कह रहा हूँ कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि भारत के संविधान को खंडित कर दिया गया है,
लोग इस बात को समझे नहीं है। तो आज अपने मुंह से कहेंगे तो नहीं ना खंडित कर दिया गया है, खंडित कर दिया। जब संविधान में वर्गीय प्रतिनिधित्व का प्रोविजन है उसको हटा करके और सवर्ण समाज के आईएएस लेवल के आदमी ले लिए, इससे बड़ा समाज संविधान की हत्या हो सकती है क्या? चलिए शुक्रिया दादा, आप यहाँ राजस्थान से चलकर आए, 94 की उम्र हो गई है और आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई आप कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बात को सुना और सारे देश को पहुँचाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया दादा।